आंध्र प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डी श्रीधर बाबू पर टीआरएस के एक नेता के घर पर सुनियोजित साजिश के तहत 10 किलोग्राम गांजा रखवाने का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों के बाद हैदराबाद की चिकटपली पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 20 अक्टूबर को हैदराबाद में टीआरएस के कार्यकर्ता किशन रेड्डी ने पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए ओडेऊ के पूर्व सरपंच और श्रीधर बाबू पर आरोप लगाया कि इन दोनों लोगों ने उन्हें नशे की तस्करी के आरोप में फंसाने की साजिश रची और इसके लिए उनके घर में 10 किलो गांजा रखवा दिया। किशन ने शिकायत के सबूत के रूप में श्रीधर बाबू और सुदर्शन के बीच हुई बातचीत की एक डीवीडी भी पुलिस को सौंपी और आरोप लगाया कि ये साजिश श्रीधर बाबू के दोमलगुड़ा स्थित घर पर रची गई है। किशन रेड्डी ने कहा कि उन्हें साजिश की इस बातचीत का पता ओडेऊ के सरपंच अशोक से चला है। रेड्डी ने पुलिस को बताया कि सुदर्शन और एक नाबालिग लड़के ने उनके घर में गांजा रखा, लेकिन बाद में परिणामों के भय से उसे वहां से हटा लिया। इसके बाद अब इसी की जानकारी नाबालिग के माता पिता को हुई तो उन्होंने कड़ाई से उसे सारी साजिश के बारे में पूछताछ की। रेड्डी के मुताबिक इस पूछताछ में बच्चे ने साजिश के लिए सुदर्शन के मोबाइल में रिकॉर्ड की गई बातचीत को अपने माता पिता को सुनाया। इसके बाद उसके माता पिता ने इस बातचीत की जानकारी गांव के सरपंच अशोक को दी, जिससे कि उन्हें इस पूरी बात का पता चल सका। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए चिकटपल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर एम सुदर्शन ने बताया कि किशन रेड्डी की शिकायत पर श्रीधर बाबू, सुदर्शन और नाबालिग बच्चे पर NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मामला दर्ज होने के बाद प्राथमिक पूछताछ के लिए सुदर्शन को हिरासत में ले लिया गया है और यदि जरूरत पड़ी तो श्रीधर बाबू से भी पूछताछ की जा सकती है। वहीं हैदराबाद के मध्य जोन के DCP डी जोएल डेविस ने कहा कि हम इस मामले में और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और रेड्डी की ओर से पुलिस को दी गई CD की सत्यता की जांच के लिए इसे फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा जा रहा है। श्रीधर बाबू యొక్క క్రూరమైన నీచమైన దుర్మార్గమైనటువంటి దిగజారుడు రాజకీయాలకు నిదర్శనంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఆయన కుట్రపూరిత నేరపూరిత విధానాలకు దీన్ని ఒక ఉదాహరణగా ఇవాళ మేము తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పదలుచుకున్నాం. రాష్ట్రంలో మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కరీంనగర్ జిల్లాలో ఇలాంటి అనేక రకాలైనటువంటి అకృత్యాలు కోకొల్లలుగా చేసినాడు. విద్యార్థులను కరీంనగర్లో ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో తెలంగాణ ఉద్యమకారులను పోలీసులతో గుర్తించడం, వందలాది మంది మీద అక్రమంగా కేసులు బనాయించడం, ఇతరత్ర వేరే రకమైనటువంటి కొంత బిజినెస్లు ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళు తెలంగాణ ఉద్యమానికి సహకరించేటటువంటి వాళ్ళను